दोस्तों कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, जब हम पीछे वाली ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो आगे वाली ब्रेक्स भी कुछ परसेंट अपने आप काम करती हैं। तो जब आपकी स्कूटर में आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक मिलती हैं विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, तो किस तरीके से काम करता है, ये हमारी आगे वाली डिस्क होगी और आगे वाला डिस्क कैलिपर हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, इसमें डबल होजेज हैं, तो एक जो होज है वो 100% ब्रेक को अप्लाई करने में मदद करेगी और जो सेकेंडरी होज है वो कुछ परसेंट तक ब्रेक को अप्लाई करने में मदद करेगी। इसके जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, एक कनेक्ट हो जाती है हमारी राइट वाले फ्रंट ब्रेक लीवर के साथ और एक कनेक्ट हो जाती है हमारे लेफ्ट वाले रियर ब्रेक लीवर के साथ। अब यहाँ पे क्या है, ये है रियर ब्रेक लीवर को दबाने के लिए, यहाँ पे ये 100% अप्लाई करेगी ब्रेक को रियर वाली को और फ्रंट वाली को भी कुछ परसेंट फ्लूइड देगी और उसे भी रोकेगी। फ्रंट वाले ब्रेक कैलीपर में हमारी डबल होज थी और रियर वाले में इसमें सिर्फ आपको सिंगल होज मिलेगी, क्योंकि ये सिंगल डेडिकेटेड रियर के लिए काम करेगा और रियर वाली जब दबाएंगे तो साथ में आगे वाली भी ब्रेक दबेंगी।